हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे, छोटी सी राइड पे आए थे हम। वैसे तो लॉकडाउन है लेकिन थोड़ा सा बोर हो गए थे तो हमने सोचा अब मॉर्निंग में निकलते हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। बट आज है हमारे साथ 2021 की मोस्ट आइकॉनिक बाइक, जो कि है ये। दिस इज़ ZX10R 2021 मॉडल। और बाइक को मैं आपको पहले अच्छे से क्लोजली दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसके बारे में। तो भाई राइड मेंबर्स थे हम सब, ये हम सब की बाइक्स है और ZX10R है। ये आलोक भैया है हमारे। सो भैया, आपने इससे पहले मैंने सुना कि आपके पास थी Z900, राइट? सो उसके कंपेयर में ये बाइक आपको कैसी लगी? दोनों में अगर पावर वाइज देखा जाए तो पावर बाइक ये है, क्योंकि इसकी BHP जो उससे काफ़ी ज़्यादा है, 130 BHP में थी और ये 223 BHP में है। इसका इंजन और उसका इंजन सेम है, बट इसमें रैम इनटेक दी हुई है। रैम इनटेक इन द सेंस कि आप जब कम्बशन इंजन में एयर को प्रेशराइज तरीके से अंदर डालते हैं तो उसमें कम्बशन अच्छा होता है और अच्छी पावर मिलती है बाइक्स को, तो उसकी वजह से इसकी BHP बढ़ी हुई है। दूसरा, इसका जो पोस्चर है, राइडिंग पोस्चर, वो एग्रेसिव है और इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स डाल दिए गए हैं। तो पूरी ट्रैक बाइक है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। शोकर के अंदर शोआ, ये डैम्पनर्स हैं जो आपकी छोटे मोटे पिट हाउस में जब बाइक जाती है तो बबलिंग से रोकते हैं। ऐसे स्टीयरिंग में भी डैम्पनर लगा हुआ है, ये टैंक स्लैपर और को रोकने के लिए, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली। और टैंक पैड्स भी दिए गए हैं जिससे आप लीन करें तो बाइक पे आपकी ग्रिप बनी रहे। टायर साइज आप लोगों ने देखा ही है, काफ़ी कर दिया गया। रियर में इसमें 190 है, हाँ, और फ्रंट में 120 है। फ्रंट में 120 है, ओके। अगर आप इंस्ट्रूमेंटल पैनल की तरफ देखें, इंस्ट्रूमेंटल पैनल्स में काफ़ी सेटिंग्स दी गई हैं। अब व्हीकल सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि क्विक लॉन्च कंट्रोल दिया गया है इसके अंदर। उसमें क्या होता है कि बाइक जब आपको बहुत इनिशियली हाई पिकअप पे लेके चलनी होती है तो एक्सीलरेट को आप अपने हाथ कंट्रोल में नहीं रखते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहता है तो आपकी गाड़ी स्कीप नहीं करती है, लेकिन पिकअप बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो इसके अलावा KEDC है, इसके अलावा KLMC है, इसमें ऑटो क्लिपर्स वगैरह भी दिए गए हैं आप शिफ्टिंग के टाइम पर मिली सेकेंड्स को बचाने के लिए विदाउट क्लच शिफ्टिंग करेंगे, डाउन शिफ्ट करेंगे और अप शिफ्ट करेंगे, तो ये शिफ्टर जो है ये साथ में सेंसर लगा हुआ है, तो शिफ्टर कंपनी से ही आ रहा है, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये शिफ्टर इतना अच्छा है, इतना स्मूथ है कि जब आप करते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आपकी बाइक ऑफ हुई है। मिली सेकेंड्स के लिए आपकी बाइक ऑफ होती है, इंजन शट डाउन करता है, शिफ्ट मारता है और अपने आप आगे बढ़ जाता है। आपको क्लच के साथ में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, टोटल पूरा ऑन रखिए, आप शिफ्ट कीजिए, गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी स्मूथ तरीके से, कोई जर्क नहीं आएगा। और G9 और इसके अंदर पोस्चर वाइज और देख रहे हो आप लुक्स वाइज तो काफ़ी चेंज है, लुक्स तो इसमें काफ़ी चेंज हो गया। पहले वाली जो ZX10R थी उसमें जो फेसलिफ्ट था, वैसे पहले वाली ZX10R भी कुछ 6R के से रिलेटेड ही लगती थी फेसलिफ्ट से ना, अब ये पूरी तरह से चेंज है तो दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ 10R आ रही है, और मतलब जो लग रही है उसके तो अलग ही क्लास है इसकी। अब हाँ, वैसे भैया हमने जो नोटिस किया, मतलब इसके जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल लाउड नहीं है। अभी आप एग्जॉस्ट के बारे में बात करते हैं, अभी अपडेट करेंगे आप लोगों से, देंगे इस बारे में भी हम राय कि इसमें कौन सा एग्जॉस्ट लगना चाहिए। जो मुझे पसंद है अभी तक, एक्रोफोबिक पसंद है, कार्बन फाइबर वाला मुझे वो सबसे पसंद है, लेकिन वो अभी लॉन्च नहीं किया है कंपनी ने इसके लिए। जैसे ही लॉन्च करेंगे तो हम इसको अपडेट करेंगे डेफिनेटली, फिर दोबारा इसमें स्लिप ऑन लगा के फिर दोबारा इसकी आपको साउंड नोट सुनाते हैं। अभी तो इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर बहुत सारे डिकेट लगे हुए हैं जो साउंड को यहाँ पर कैटलिस्ट कन्वर्टर है,
बैली है, उसके बाद एग्जॉस्ट आ रहा है। एक बार भैया इसकी साउंड सुना दो। आपको इम्प्रूव नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी एग्जॉस्ट टॉक नहीं, एक्चुअली साउंड अच्छा है, स्मूथ है, लाउड नहीं है बहुत ज्यादा। व्हाट वी वांट, हम सुपर बाइक्स में चाहते हैं लाउड एग्जॉस्ट, हाँ। और एक हमिंग साउंड जिसे कहते हैं, वो हमिंग साउंड काफी अच्छी होनी चाहिए बाइक्स के अंदर, क्योंकि इतना फोर इन लाइन सिलेंडर है तो साउंड तो पड़ना चाहिए, रोड तो पड़ना चाहिए रोड के। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब एग्जॉस्ट आता है आप लोगों को अपडेट करते हैं फिर दोबारा अक्षय के साथ में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज हमारी राइड ZX10R के साथ, और ओवरऑल एक राइड की वीडियो मैं अलग से डालने वाला हूँ सिनेमेटिक टाइप की, सो उसको भी ज़रूर देखना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ भैया का भी एक चैनल है राइड विद ट्रेवल विद आलोक, ट्रेवल विद आलोक। आप बायो, अक्षय की बायो में जाइएगा, वो लिंक डाल देगा वहाँ पर जी, तो वो आप कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी इस बाइक्स के बारे में, और नेक्स्ट अपडेट के बारे में भी दिखाई देगा कि नेक्स्ट बाइक कौन सी अपडेट होने वाली है। ओके सी यू गाइस। ओके।